का केंद्र बनेगा 105 किलोमीटर इधर, 105 किलोमीटर इधर, और यही कारण है कि आज जहां 105 किलोमीटर की पूरे देश के अंदर मैं समझता हूं दूसरी सबसे बड़ी यह रिंग रोड लखनऊ के अंदर बन रही है, जो ऑलमोस्ट इसका 80% काम पूरा है। साथ ही साथ टर्मिनल 3 बन रहा है, पूरे देश विदेश से हम कनेक्ट हो रहे हैं। जो किया गया अभी तक का जो हवाई यात्रा करके लखनऊ आते हैं, करीबन 39 लाख लोग हवाई यात्रा करके लखनऊ आते हैं, और जब यह टर्मिनल 3 बनेगा तो एस्टिमेट किया गया है कि 1.6 करोड़ लोग इस लखनऊ में हवाई यात्रा करके आ सकते हैं। जिस प्रकार से मेट्रोपॉलिटन सिटी में दिल्ली में आप देखते हैं, वहां आनंद विहार का स्टेशन है, पुरानी दिल्ली का स्टेशन है, नई दिल्ली का स्टेशन है, उसी प्रकार से लखनऊ में भी चारबाग की सेकेंड एंट्री का काम चल रहा है, आलमनगर को सैटेलाइट स्टेशन बनाया जा रहा है, और साथ ही साथ गोमती नगर के नए टर्मिनल का काम भी चल रहा है, और ट्रैफिक की व्यवस्था को यहां पर सुदृढ़ करने के लिए 19 नए फ्लाईओवर, मैं समझता हूं यह भी आजाद भारत में एक कीर्तिमान ही होगा, जिसमें से 9 बनकर तैयार हो गए हैं और 10 जो है अभी उसका काम प्रोग्रेस पे है। मैं ये कई आंकड़े हैं जो माननीय राजनाथ सिंह जी के सांसद बनने के बाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस उत्तर प्रदेश और लखनऊ में किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर हम लॉजिस्टिक्स ईज में 17वें स्थान पर, तो उत्तर प्रदेश में 6वें स्थान पर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे वी आर नंबर 1, तो बहुत परिवर्तन हुआ है। पर सबके केंद्र में क्या है, इस विकास के केंद्र में क्या है, जो इन्वेस्टमेंट आए तो उसमें एस्टिमेट किया गया कि 9 लाख से ज्यादा रूप क्या है। तो संक्षेप में रहेगा टीम के लिए इतना ही फाइट करते, ठीक है ना। लखनऊ कौशल महोत्सव 4-5 तारीख को, लखनऊ कौशल महोत्सव सही तरह देख के बोलिए, लखनऊ कौशल महोत्सव NSDC और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश के सहयोग से, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से लखनऊ के कॉलविन तालुकदार्स कॉलेज में 4 और 5 मार्च को आयोजित किया जा रहा है, और 100 से ज़्यादा कंपनियों ने इस पर रजिस्टर, एम्प्लॉयर्स ने रजिस्टर किया है, और साथ ही साथ जो वैकेंसियां जनरेट हुई हैं यह करीबन 40,000 से ज़्यादा है, और अपेक्षा और हम लोग की आकांक्षा दोनों यह है कि यह आंकड़ा 50,000 से ऊपर जाए। रोजगार के माध्यम से लोगों के जीवन में खुशहाली, उनका सशक्तिकरण करना, यही इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य है। निश्चित रूप से मैंने जिस प्रकार से बताया कि करीबन 40,000 से ज़्यादा वैकेंसियां अभी तक जनरेट हो गई हैं, जबकि अभी भी हम 5 दिन अभी इस कार्यक्रम को बाकी हैं, हमें उम्मीद है 50,000 से ज़्यादा वैकेंसियां होंगी। जो रजिस्टर किए हैं एप्लीकेंट्स हमारे उस पे वेबसाइट पर, वो करीबन 12,000 हैं, 18,000 हैं, और हमें उम्मीद है कि वॉक इन के माध्यम से भी वहाँ पर और भी संख्या आएगी। पूरी तरह से हमारा यह प्रयास रहेगा कि जो भी आए कम से कम उनके हाथ में ऑफर लेटर आए, और किन्हीं कारणों से अगर वो जो एप्लीकेंट अयोग्य पाया जाता है तो उसकी काउंसलिंग करके आगे के लिए उसके अवसर मिनिस्ट्री कर रही है। हमारे साथ डॉक्टर मनीष मिश्रा जी NSDC से हैं, और हमारे साथ लेबर मिनिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से हमारे साथ पुंडीर जी भी हैं, उसके संबंधित कोई प्रश्न हो आप इनसे ले सकते हैं। हमें अभी तक माननीय रक्षा मंत्री जी की, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की, माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर हमारे सेंट्रल के, उनकी सहमति मिल गई है, और साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी समापन समारोह में 5 तारीख को हमारे बीच में होंगे। ये हम सबके लिए बहुत खुशी की बात है। रोजगार को लेकर हमारा पूरा नेतृत्व, हमारी सरकार चाहे देश की प्रदेश की कितनी संजीदा है, या उनकी उपस्थिति और उनकी सहमति कहीं ना कहीं उसी का द्योतक है।